जैसे कि अनाज देना और कपड़ों का जो वितरण कर रहे हैं वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं यही कहूँगा कि हर वेलफेयर एसोसिएशन जैसे होते हैं, जैसे रेसिडेंस एसोसिएशन होते हैं, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। योगेश जी, आप इतने साल से अभी जुड़े हैं इनके साथ, आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों और समाज के काम आ सकूं। और सबसे पहले मैं पुजारी सर का धन्यवाद करता हूं जो मेरे एक रिक्वेस्ट पे आए। सर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है बोरीवली में और अभी रिटायर हुए रिसेंटली और लोगों का प्रैक्टिस कर रहे हैं और एकदम बिजी शेड्यूल में भी अपने लिए टाइम निकाल के सिर्फ आए स्पेशल। भावेश जी, आप क्या कहेंगे? आप लोग इतने साल 2007 से आपका एसोसिएशन है और इतना नेक काम आप इतने सालों से करते आ रहे हैं और आगे आप हॉस्पिटल आ रहे हैं आप लोगों का, तो ये इतने इस कार्य के पीछे मतलब इतनी मेहनत कैसे और इतने लोग कैसे जुड़ पाए?
सर ये धीमे धीमे एक के बाद एक सब लोगों का ग्रुप बनता गया, छोटी सी शुरुआत हुई थी और एक जैसे नेचर वाले लोग जैसे मिलते गए। अभी आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा भी हमारे साथ ग्रुप में पूरी तरह से ज्वाइन है और वो पूरा लोगों को पानी पिलाता रहता है दिन भर। उसका एक ही काम रहता है, हर जो कोई भी यहाँ पे प्यासा ना रहे, इतनी लंबी लाइन है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो सवेरे से लेके दो घंटे ढाई घंटे तक पूरा ड्यूटी देता रहता है। और एक ये जो भावना हम नए यंग जनरेशन को बोलना चाह रहे हैं कि यही देख के यंग जनरेशन हमारे साथ में ज्वाइन होता जा रहा है। दिन पे दिन हमारा ग्रुप बढ़ता जा रहा है, अभी 100 वॉलंटियर हो गए हैं, 50 वॉलंटियर तो ऐसे ही है कि आप देखेंगे 24 घंटे हमारे साथ तैयार है। और सबसे बड़ा पुजारी सर का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ एसोसिएट हुए, हमारे प्रोग्राम में आए हुए। लखानी जी तो 24 घंटे साथ में ही है, उनके सपोर्ट से ही ट्रस्ट चल रहा है। और सनी भाई आए हुए हैं, सनी भाई आओ, सनी भाई हमारे साथ में जो गुजराती पिक्चर के एक्टर हैं और उनकी मूवी अभी नई मूवी भी आ रही है। सो सी सभी के सपोर्ट से सर ये ट्रस्ट बड़ा बनता जा रहा है। जो हॉस्पिटल आ रहा है उसमें हम लोग 5 साल के अंदर करीबन 2 लाख डायलिसिस कर सकेंगे। सो जैसा जैसा सपोर्ट लोगों का मिलेगा हमारी संस्था और अच्छा काम करेगी। और डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट दें और हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। आप सर डायरेक्ट मीडिया के माध्यम से आप पब्लिक को रिक्वेस्ट करें कि आपके एसोसिएशन के ADG का जो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर कोई डोनेट करना चाहेगा तो आप डायरेक्ट कैमरे में देख के अगर जरूर बोलें। हाँ, मैं सभी लोगों से पूरे देश से अपील करना चाहूँगा कि हमारा ट्रस्ट ATG इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। हम लोग जो काम कर रहे हैं आप एनी टाइम हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। जनवरी महीने में हमारा हॉस्पिटल चालू होने वाला है और पूरा काम हम लोग ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन होइए और अपना जितना सपोर्ट जनरसली दे सकते हैं हमारे ट्रस्ट को दीजिए। फाइनेंशियली हमारा बैंक अकाउंट उसके अंदर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली चेक RTGS कुछ भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग प्लीज़ ज्वाइन होइए। डायलिसिस सेंटर नियर अबाउट ऐसा कुछ बना नहीं है बोरीवली गांधी एरिया में जो इतना नीडी आदमी को आई नेवर से कि भाई फुल्ली हम लोग फ्री में करेंगे, लेकिन कंसेशनल रेट या नॉमिनल रेट रहेंगे ताकि उनके ईगो हट नहीं हो या उनको ऐसा ना लगे कि हम लोग फ्री में ले रहे हैं कोई चीज़। सो हमारा एम है कि एकदम लोएस्ट में लोएस्ट रेट टोकन अमाउंट लेके ये डायलिसिस सेंटर चालू किया है। लेकिन अगर कोई डोनेट करना चाहेगा तो उसको टैक्स लगेगा? नहीं सर, ATG के अंदर ऐसा होता है जो आप चेक अमाउंट देते हैं उसका 50% इनकम टैक्स में से आपको क्लेम मिल जाता है। तो वो अमाउंट आपको इनकम टैक्स हम लोग ATG का सर्टिफिकेट दे देते हैं और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पर उसको क्लेम कर सकते हैं। सनी, आप क्या कहेंगे, आपकी फिल्म आ रही है और आप यहाँ पे आ जाए हैं देखने के लिए कि इस तरह का ये सोशल वर्क कर रहे हैं? मैं तो बहुत टच्ड था जब मैं यहाँ पे आया, मैंने जब देखा जिस तरीके से भावेश भाई और उनकी पूरी टीम लोगों को मदद करती है। I mean, खुद के लिए तो सभी करते हैं बट महान होते हैं वो लोग जो किसी और के लिए अपने कमाए हुए पैसे से किसी और के लिए कुछ करते हैं। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड बस लोगों को जितना हो सके उतना हेल्प करो, वही एक चीज़ है जो स्वर्ग के रास्ते पे लेके जाएगा। सर ये जो ट्रस्ट है खाली 300 लोगों को हर महीना ग्रोसरी नहीं देता है, लेकिन उसके सिवा एवरी सैटरडे 400-500 लोगों को सुबह में खाना फ्री देते हैं, बाद में एजुकेशन हेल्प करते हैं, मेडिकल हेल्प करते हैं, व्हील चेयर देते हैं, बुक्स देते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और ऐसे जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है, जो भी नेचर क्लाइमेट है, हमारा 100 जन का टीम है जो एनी टाइप ऑफ सोशल NGO वर्क के लिए 24/7 अवेलेबल है। मैं बरसों से भावेश भाई के साथ एसोसिएटेड हूँ और ये ट्रस्ट जब चालू किया था हमने तो हमने यही सोचा था कि कैसे होगा क्या होगा, बट हमने स्टार्ट किया और हम आज एक ऐसे मुकाम पे पहुँच गए कि जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को मतलब 350 फैमिलीज़ को हम ये कर रहे हैं, ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एवरी सैटरडे संडे नाश्ता रख रहे हैं, इवन गांधी वाली में चालू किया है और अब हॉस्पिटल का हमारा जो जय भावेश सर का वो हम पूरा करेंगे अभी वेरी सून और जितना मदद हो सकता है उतना हम करेंगे। और अपील करता हूँ मैं सबको कि हर किसी को एक बार ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाके देखिए और यहाँ पे भी आके पर्सनली देख सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। Thank you.
जगह रखो प्लीज, एक सेकंड, आप आजू आओ सिस्टर, ये बाजू आओ, आप पीछे आओ आंटी, आप पीछे आओ, पीछे आओ, आप बीच में जगह रखो, चलो पीछे, चलो पीछे, આમંત્રિત મહેમાનો સાદર જય જીનેન્દ્ર, આપ સૌને અમે ખૂબ ખૂબ હેલ્પ કરીએ, એ અમારા જો કાર્ય હૈ કે વિતરણ, અનાજ વિતરણ કરને કા, ઇસમે એક પૂરી ટીમ લગી હુઈ હૈ, એ હમારા એક અકેલા તો કોઈ કામ નહીં, બચ્ચે તો કર રહે, બહુએ ભી કર રહી હૈ, પર સાથ મેં એ પૂરી ટીમ જો સહકાર દે રહી હૈ, ઉનસે હમારા કાર્ય બહુત સરળ હો ગયા હૈ, ઓર લોગ હર્ષ કે ખુશી કે સાથ એ કામ કરતે હૈ, ભગવાન સે મેં પ્રાર્થના કરતી હું, કોઈ એક લેખક ને કહા હૈ કે ઊંચા ડુંગર ખેડવા અધિક જૈન ઈચ્છા વધે, હે પ્રભુ નવલ શૃંગ તું તેમ સર્જે જજે, હે ઈશ્વર આ બાળક એ બચ્ચો કો જો નહીં નહીં નયા નયા કામ કરને કી ઈચ્છા હોતી હૈ, તો તુમ ઉસકો એ નયા કામ કી પ્રેરણા દો ઓર ઉસમે મદદ કરો, એ હમારી શુભકામના હૈ, જય જીનેન્દ્ર. बचपन से ऐसी ख्वाहिश थी, तो यहाँ पे ससुराल में आके उनका साथ मिला और साथ में हम लोग ने ऐसे ज्वाइन किया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, तो अभी अच्छा लग रहा है, छोटे पाये से चालू किया था, अभी बड़े ऊपर पैमाने पे चल रहा है और योगेश भाई हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आगे हमारा प्रोग्राम है ऐसे जो नीडी फैमिली है उनको तो सर्व कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग ने हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भी चालू किया करने वाले हैं, तो उनमें हम लोग डायलिसिस सेंटर चालू करने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सबका साथ चाहिए, अगर सबका साथ मिलेगा तो और आगे हम लोग ज़्यादा सर्व कर सकते हैं सोसाइटी को. मैम आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा काम है, हमको भी कुछ यहाँ सीखने को भी मिल रहा है और हमारी यूनिटी बहुत है यहाँ पे और यूनिटी की वजह से ये और काम आगे और आगे बढ़ते ही जाए, बस ऐसी हमारी इच्छा है और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है उसमें भी हम लोग कामयाब होने ही वाले हैं. थैंक यू सो मच. बोलो बोलो आवाज बड़ी बड़ी. नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं हॉस्पिटल का, तो वो हमको आप लोग का सबका सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग उसमें बहुत आगे जाने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, हम भी हेल्प कर रहे हैं सब काम और हमारे भैया भाभी जो है वो इसमें सब कुछ अपना तन मन धन सब दे रहे हैं. लगेगा कम से कम, प्रोजेक्ट चालू हो गया है अभी, हॉस्पिटल चालू होने में 1 साल लगेगा, उसका काम चालू हो गया है.